पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा जनरल मेटाफर प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन, अब पढ़ेंगे हम जनरल मेटाफर प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एरीन। तो हाइलो एरीन में हम किस किस मेथड से पढ़ेंगे, फर्स्ट बाय डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हम जानते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो क्या हो जिसमें बेंजीन रिंग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सेकेंड साइड चैन हैलोजिनेशन, थर्ड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट या क्लोराइड लिख सकते हैं। तो इन तीन मेथड से हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर हम फर्स्ट जैसे ले लें बेंजीन ले लें, बेंजीन, तो बेंजीन है बेटा, यहाँ पे सभी जगह क्या होते हैं, कार्बन होते हैं और कार्बन से एक एक हाइड्रोजन क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है तो हाइड्रोकार्बन होगा और इसमें बेंजीन रिंग है तो क्या होगा, वो एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर इसका रिएक्शन अगर हम Cl2 से करा दें या Br2 से करा दें, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करा दें तो यहां सभी जगह, यहां आपका कार्बन कार्बन सब जगह क्या होते हैं, कार्बन होते हैं और इससे बेटा एक एक हाइड्रोजन सबसे क्या होता है, अटैच होता है। जैसे रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस हाइड्रोजन कैरियर की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 या इसके जगह पे FeCl3 ले सकते हैं, कोई चीज ले सकते हैं। तो यहाँ इसके प्रेजेंस में तो इसका एच या इसका एच, इसी कार्बन का एच Cl के साथ बाहर निकल जाता है और बनेगा आपका HCl, बनेगा HCl हो गया। अब जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है उस हाइड्रोजन पे क्या अटैच कर देंगे, Cl अटैच कर देंगे और Cl अटैच करके अब देखिए क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बना आपका, क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पे Br2 लेंगे एनहाइड्रस AlCl3 जाएगा तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। ये आपका क्या बना, क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। अगर यहीं पे हम टॉल्वीन ले लें बेंजीन पे, जब बेटा CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको टॉल्वीन कहते हैं, टॉल्वीन। देखिए ये भी क्या, एरो सभी जगह कार्बन है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, बेंजीन रिंग है तो ये क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आप फर्स्ट ईयर में पढ़े थे एरोमेटिसिटी किसे कहते हैं, हकेल सरूर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब एरोमेटिक बताते हैं कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, जनरल जानिए जिसमें बेंजीन रिंग होगा वो क्या होंगे, एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे टॉल्विन है, ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर बेटा यहाँ पे Cl2 से रिएक्शन करा दें, वही हाइड्रोजन कैरियर ले लें, एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 का यूज कर लें या एनहाइड्रस FeCl3 यूज कर लें, तब सेम वही क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियस से जब भी एनहाइड्रस AlCl3 हो और लाइट का ऑब्सेंस हो, कहे कि लाइट का ऑब्सेंस है या डार्क है तो समझिए जो Cl होगा वह बेंजीन ये न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस से अटैच होगा और न्यूक्लियस को ये कहाँ अटैच होगा, यहाँ पे CH3 Cl, ये बन गया। अच्छा आप हम बताए थे कि कोई बेंजीन जो रिंग होते हैं, बेंजीन रिंग में का 1 2 3 4 5 6 इसमें ये आठो होते हैं, ये आठो पोजीशन होता है, ये मेटा पोजीशन होता है और ये क्या होता है, पैरा पोजीशन होता है। ये जो CH3 ग्रुप है ये आठो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होते हैं और आने वाले ग्रुप को आठो पे और मेटा पे दोनों पे भेजते हैं, इसलिए मिक्सचर बनता है। आठो और पैरा का क्या बनता है, मिक्सचर बन जाता है, यहाँ पे मिक्सचर बनेगा। तो अगर
न्यूक्लियस पे, अगर इसको इसको न्यूक्लियस कहते हैं, अगर न्यूक्लियस से अगर सीएल या बीएल को अटैच कराना है तब हम क्या करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं, हाइड्रोजन कैरियर के प्रेजेंस में कराते हैं इसको। तो बाय डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था इसका Cl2, हम जनरली Cl2 ले रहे हैं, Br2 भी आप यूज कर सकते हैं, Cl एनहाइड्रस AlCl3 जब भी आपको दिया हो Cl2 या Br2 एरोमेटिक रिंग के साथ और एनहाइड्रस AlCl3 दिया हो या FeCl3 दिया हो, लाइट का ऑप्शन हो, डार्क हो, कहे डार्क है या ऑप्शन ऑफ लाइट है, तो Cl और Br को कहां अटैच करेंगे, न्यूक्लियस से अटैच करेंगे, डायरेक्ट अटैच करते हैं। ठीक, तो इसमें कंडीशन क्या, Cl2 या Br2 का डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अटैच करते हैं, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। जब ये एनहाइड्रस AlCl3 रहेगा, हाइड्रोजन कैरियर रहेगा, लाइट का ऑप्शंस रहेगा, डार्क में या कराने के लिए, तो समझिए हुआ न्यूक्लियस से क्या होगा, अटैच होगा। तो फर्स्ट था बाय डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब सेकंड हम पढ़ते हैं साइड चैन हाइड्रोजनेशन। साइड चैन हाइड्रोजनेशन मतलब जो हाइड्रोजन एटम होगा वह न्यूक्लियस से अटैच न हो, साइड चैन में क्या हो, अटैच हो। इसके पहले वाले में क्या था, न्यूक्लियस से अटैच था, न्यूक्लियस देखिए न्यूक्लियस डायरेक्ट अटैच है, न्यूक्लियस से डायरेक्ट अटैच है, न्यूक्लियस से क्या है, डायरेक्ट अटैच है। अब सेकंड क्या है, साइड चैन हाइड्रोजनेशन। तो जो साइड चैन हाइड्रोजनेशन है इसमें अच्छा अभी बेटा हमने टॉलविन लिया था, टॉलविन CH3 इसका Cl2 से रिएक्शन कराया था एनहाइड्रस हाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो CH3 Cl ये ऑर्थो और पैरा का पोलर बन गया। एनहाइड्रस AlCl3 लाइट का ऑप्शन था, लेकिन अगर यही टॉलविन ले लें, टॉलविन CH3 तो वी और इसका Cl2 से रिएक्शन करा दें, लेकिन प्रेजेंस ऑफ लाइट AhNu, लाइट के प्रेजेंस, अब हाइड्रोजन कैरियर जो होगा वो क्या होगा, ऑब्सेंस होगा, ऑब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन कैरियर एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कैरियर प्रेजेंट है, तो जो हाइड्रोजन एटम अटैच हो रहा है वो कहाँ अटैच हो रहा है, न्यूक्लियस से अटैच हो रहा है। याद रखिएगा जब भी डार्क हो, एनहाइड्रस AlCl3 हो, हाइड्रोजन कैरियर हो, तब हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस से अटैच होंगे, क्लियर। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन कैरियर ऑब्सेंट हो, ऑब्सेंट हो और लाइट का प्रेजेंट हो, तब ये जो Cl होगा हाइड्रोजन एटम वह न्यूक्लियस से अटैच नहीं होते हैं, मतलब ये न्यूक्लियस से बेटा अटैच नहीं होंगे, न्यूक्लियस से अटैच नहीं होंगे, ये CH3 है इससे अटैच होंगे CH2Cl प्लस HCl, इसको बेटा कहते हैं साइड चैन हैलोजिनेशन। देखिए जो हाइड्रोजन एटम है वह न्यूक्लियस से नहीं अटैच है, इसे अटैच है साइड चैन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं, आपको बताए थे हम कि बेटा अगर बेंजीन से CH2 अटैच हो तब बेंजाइल बोलते हैं, अगर यहाँ पे बेटा CH अटैच हो, दो वैलेंसी खाली हो, बेंजाइल बोलते हैं, अगर बेटा सी यस अगर तीन वैलेंसी खाली हो तो बेंजो बोलते हैं। तो ये देखिए CH2 एक वन वैलेंसी, तो इसको क्या कहते हैं, बेंजाइल। Cl क्या है, क्लोराइड, तो लिखेंगे बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड बन गया। अच्छा डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, अगर Cl अगर क्या हो, न्यूक्लियस अटैच हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, लेकिन न्यूक्लियस अटैच ना हो, साइड चैन, देखिए ये न्यूक्लियस अटैच है और ये साइड चैन से, कब हुआ है,
जब हैलोजन कैरियर हमने हटा दिया और क्या लगा दिया, लाइट। तो बेटा लाइट अगर रहेगा तो आप हैलोजन एटम कहां अटैच करेंगे, साइड चेन में अटैच करेंगे। अगर लाइट आप सेंस हो, डार्क में हो रहा हो और साथ में हैलोजन कैरियर भी प्रेजेंट हो, तब कहां पे लगाएंगे, हैलोजन कैरियर प्रेजेंट हो तो न्यूक्लियस अटैच करेंगे। क्लियर? तो न्यूक्लियस अगर हाइब्रिडाइजेशन कराना है, न्यूक्लियस अटैच कराना है तो एनहाइड्रस ClCl3। अगर साइड चेन में बनाना है तब उसे क्या करते हैं, लाइट के प्रेजेंस में, ये क्या है आपका लाइट, लाइट के प्रेजेंस में हम Cl2 का रिएक्शन करते हैं। क्लियर? तो ये क्या था, बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें Cl2 का एनहाइड्रस ClCl3 के प्रेजेंस में कराया। साइड चेन हैलोजिनेशन में क्या कराया, Cl2 और लाइट के प्रेजेंस में कराया। आप सेंस ऑफ क्या किया, हमने हैलोजन कैरियर किया, ये समझ में आया। तो हैलोजन के कितने बताया, भी टू मेथड, फर्स्ट बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और सेकंड साइड चेन हैलोजिनेशन। थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको आज ही आप याद कर लेंगे, बहुत ही छोटा और इसको याद कर लेंगे। फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। जैसे मान लीजिए हमने एनिलीन लिया, एनिलीन NH2, एनिलीन, और इस एनिलीन का रिएक्शन अगर हम NaNO2 प्लस HCl, ये NaNO2 और HCl मिलकर नाइट्रस एसिड बनाते हैं, मतलब इसको नाइट्रस एसिड से रिएक्शन हम कराते हैं, लेकिन डायरेक्ट नाइट्रस एसिड यूज नहीं करते हैं। आप HNO2 करेंगे तभी रिएक्शन होगा, लेकिन डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, उसके जगह पे हम क्या लेते हैं, NaNO2 प्लस HCl लेते हैं और ये रिएक्ट करके HNO2 बना लेगा और ये क्या होगा, NaCl बना लेगा, वह HNO2 मिल जाएगा। इसके प्रेजेंस में 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना रहे, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहे, इतना टेम्परेचर और NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराए तो ये क्या बन जाता है आपको, N2Cl, बेंजीन, बेंजीन डाय जोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये चीज याद रख लीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, बेंजीन पे N2 और Cl, N2 और Cl हो तो उसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कन्फर्म हुआ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। क्लोराइड क्या फॉर्मेशन क्या होगा, बेंजीन पे NO2 और क्या अटैच होगा, Cl अटैच होगा, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। सो कैसे बनाए, एनिलीन का रिएक्शन कराए किसके प्रेजेंस में, NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में, टेंपरेचर हमने क्या रखा, 0 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर रखा। जब इतना टेंपरेचर रखा और किसे रिएक्शन कराया, हम NaNO2 और HCl से रिएक्शन करा दिए तो क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना। और हमें बनाना क्या है बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बनाना, हैलोएरीन बनाना है, मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब हम क्या करना है, प्रिपेयर करना है। क्लियर? तो अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपको समझ में आ गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, बेंजीन पे क्या होगा, N2 और Cl अटैच हो तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता। कैसे प्रिपेयर करेंगे, जब एनिलीन का रिएक्शन किसे कराएंगे, NaNO2 प्लस HCl से कराएंगे, कितने टेंपरेचर पे, 0 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पे कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। बहुत ही पूछा जाता है कन्वर्जन में, एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाओ या इसके आगे पूछा जाएगा। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, बनिया कि नहीं, अब हम पढ़ेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या क्या बन सकता है। अब देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का
reaction CuCl HCl cuprous collide CuCl HCl के प्रेजेंस में करा दे तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अगर यही हम क्या कर दें, इसका रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम किससे करा दें, CuBr HBr से करा दें, क्यूप्रस ब्रोमाइड, तब ये बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन, बनता है ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन है, क्लोरो बेंजीन और क्या बन गया, ब्रोमो बेंजीन बन गया। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बन रहा है, किसके प्रेजेंस में, क्लोरो बना रहा है CuCl HCl क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रेजेंस कर दे रहा है, तो क्लोरोबेंजीन बन रहा है, क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr का प्रेजेंस कर रहा है तो क्या बन रहा है, ब्रोमोबेंजीन बन रहा है। इस रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंडमेयर रिएक्शन। पूछा जाए सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, सैंडमेयर रिएक्शन कहलाता है। किसके प्रेजेंस में बनेगा, जब क्यूप्रस क्लोराइड HCl का प्रेजेंस करेंगे तो क्लोरोबेंजीन होगा, जब क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr का प्रेजेंस करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है, सैंडमेयर रिएक्शन कहलाता है। तो सैंडमेयर ये क्या हो गया आपका, सैंडमेयर रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे सैंडमेयर जब रिएक्शन आ गया, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरो एंड ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन जब हो गया क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के प्रेजेंस में, उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, इसको सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया गटरमैन, इन्होंने क्या किया, इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, सैंडमेयर रिएक्शन का मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफिकेशन करके इन्होंने क्या किया, बस जो क्यूप्रस क्लोराइड था क्यूप्रस क्लोराइड में चेंज किया। तो ये जो गटरमैन जो रिएक्शन है वह सैंडमेयर रिएक्शन का मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है Na2Cl, इसका क्या करते हैं, जो क्यूप्रस क्लोराइड था उसके बाद क्यू कॉपर पाउडर यूज करते हैं, कॉपर पाउडर यूज कर लेते हैं HCl, तो क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। सेम इसी तरह अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, कॉपर पाउडर यूज कर लिए, कॉपर पाउडर, पाउडर HBr के प्रेजेंस में, तो बेटा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन सेम सैंडमेयर के जैसे बन रहा है, लेकिन सैंडमेयर में क्या लिया गया था, क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज किया गया था, लेकिन इसमें क्या कर दिए, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के जगह पे कॉपर पाउडर ले लिए। इसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, लेकिन इस रिएक्शन को सैंडमेयर कहेंगे। जब भी आपसे सैंडमेयर पूछा जाएगा तो आप यही बनाएंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरो एंड ब्रोमो बेंजीन का प्रिपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड क्यूप्रस ब्रोमाइड। लेकिन जब गटरमैन रिएक्शन बोला जाएगा तो क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के जगह पे हम क्या करते हैं, कॉपर पाउडर यूज करते हैं, और जब कॉपर पाउडर यूज करेंगे तभी क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो ये क्या हो गया आपका, गटरमैन रिएक्शन कहलाता है। अब तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन गया, देखिए इससे कभी आयडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन नहीं बन रहा है। अगर आयडोबेंजीन तो सैंडमेयर में क्लोरोबेंजीन बना, ब्रोमोबेंजीन बना, गटरमैन में भी क्लोरोबेंजीन बन रहा है, ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, लेकिन आयडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन नहीं बन रहा है। तो ये दो रिएक्शन बताए, ये सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में हर साल आते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, आगे हम पढ़ेंगे इसी से। अगर आयडोबेंजीन बनाना हो तो आयडोबेंजीन बनाने के लिए सेम वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसका पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं और इसको हीट कर देते हैं। जैसे हीट किया आयडोबेंजीन बन जाता है, आयडोबेंजीन,
N2 क्या हो गया, बाहर निकल जाता, आयरो बेंजीन बन गया। अब ये आयरो जो बेंजीन बना, देखिए इसको सेंट मेयर रिएक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि सेंट मेयर में या तो क्लोरो बनेगा या ब्रोमोबेन बनेगा। आयरो बेंजीन बनाना होगा तो पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में हीट कर देंगे, तब क्या बनेगा, आयरो बेंजीन बनेगा। अगर फ्लोरो बेंजीन बनाना हो तो फ्लोरो बेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन AHBr4 से करा देते हैं, तब ये बनेगा आपका N2Br4- फिर इसको हीट कर देते हैं तो बनेगा आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। फ्लोरोबेंजीन बना प्लस Br3+ क्या होता है, N2 बन जाता है। तो देखिए ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमने सब बना लिया, क्या क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन और क्या बनाया, आयरोबेंजीन, टोटल बनाया इसमें। तो इसमें क्या क्या बना दिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, तो सब यहाँ देखिए लिखने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, एनिलीन का यूज करेंगे। अब ये कन्वर्जन कैसे, एनिलीन NaS2 एनिलीन का यूज किया हमने, एनिलीन और एनिलीन का रिएक्शन किससे करा दिया, NaNO2+HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो क्या बना आपका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या क्या बनाया हम, ये CuCl HCl, ये Q+ क्लोराइड HCl, तो क्या बना आपका, क्लोरोबेंजीन बना, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बना। अगर यही पे बेटा HBr हमने यूज कर लिया तो क्या बना, ब्रोमोबेंजीन बना, क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन बना और क्या बना, ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सेंट मेयर रिएक्शन कहते हैं, सेंट मेयर रिएक्शन हो गया है, सेंट मेयर रिएक्शन। इसके बाद क्या हुआ, इसका मॉडिफिकेशन आ गया, तो कॉपर पाउडर यूज कर दिया हम, कॉपर पाउडर HCl के प्रेजेंस में, तो क्या बना, क्लोरोबेंजीन बना। अगर यही कॉपर पाउडर का यूज हमने कर दिया, कॉपर पाउडर HBr के प्रेजेंस में, तो क्या बना, ब्रोमोबेंजीन बना, ब्रोमोबेंजीन। तो इसे हम क्या कहते हैं, गटरमैन रिएक्शन कहते हैं। आगे क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गया। आगे अगर पोटेशियम आयोडाइड से के प्रेजेंस में हीट कर दिया हमने तो आयरोबेंजीन बन गया, क्या बन गया, आयरोबेंजीन बना। अगर यहीं पे हमने HBr4 का रिएक्शन और हीट कर दिया तो फ्लोरोबेंजीन बन गया। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से देखिए इतने चीज हम बना सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए, तो आप पहले क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे, फिर सेंट मेयर का यूज करके क्या बनाएं, क्लोरोबेंजीन, या गटरमैन को यूज करके क्या बनाएं, क्लोरोबेंजीन। अगर कहा जाए एनिलीन से ब्रोमो बनाइए तो बना सकते हैं, एनिलीन से आयरोबेंजीन बनाइए बना सकते हैं, एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन बनाइए तो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमने प्रिपरेशन पे हैलोएनिलीन में प्रिपरेशन में क्या पर एक फर्स्ट बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें एक चीज ध्यान देने वाला है कि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन कैरियर यूज किया था एब्सेंस ऑफ लाइट, और साइड चेन हैलोजिनेशन में हमने एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर और प्रेजेंस ऑफ लाइट यूज किया था, और दूसरा क्या हो गया, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से हमने क्या किया, ये बना लिया। तो इसको आप याद कर लेंगे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर सारे बोर्ड में आते हैं कि एनिलीन से क्लोरो ब्रोमो आयरो फ्लोरो फार बनाने के लिए।